प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का शेष भाग। 5.3 के कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे पिछले वीडियो में, तो देखें प्रश्नमाला 5.3 चल रही है अपनी। प्रश्नमाला 5.3 का शेष भाग पढ़ेंगे हम, जिसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। देखें निम्न श्रेणियों में 25 पदों का योगफल ज्ञात करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न श्रेणियों में 25 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी श्रेणी दी गई है हमें an बराबर 3+4n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है an बराबर 3+4n। यानी जैसे ही हमें श्रेणी के पद प्राप्त होंगे, जैसे ही हम n के स्थान पर कोई मान लगाएंगे और फिर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसके 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो योग 25 पदों का ज्ञात करना है तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी श्रेणी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना होगा और एक 25वां पद ज्ञात करना होगा, क्योंकि 25 ही पदों का योग निकालना है। तो लास्ट पद 25वां पद आएगा, तो 25वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो एक पहला पद ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद ये सूत्र लग जाएगा। तो देखिए, एक तो मैं ए वन ज्ञात करता हूँ पहला पद, तो 3+l की जगह मैं एक रख रहा हूँ, तो एक यानी 3+4 पहला पद आ गया 7। एक हम ज्ञात करेंगे 25वां पद a25, यानी 3+4×25, 3+25 × 100, 25वां पद यानी अंतिम पद आ गया हमारे पास 103। अब अगर हम योगफल ज्ञात करें तो n का मान तो 25 दिया ही है हमें, पदों की संख्या तो ये तो आ ही जाएगी 25 बटे में 2। a का मान हमारे पास दिया है 7, हमें प्राप्त किया है 7, और an का मान प्राप्त किया है 103, यानी 25वां पद 103। ये 25 बटे 2 आ गया, गुणा में ये आ गया 110, ये 25 गुणा में 2 का भाग 110 में दे दें तो 55 आ जाएंगे। अब 55 का 25 के साथ गुणा कर दें तो 25 का पहाड़ा सबको आता होगा, 25×5 125 का पंजा, ऐसे 125 लिखे जाएंगे। जब 25 का पहाड़ा 5 तक पढ़ें, इसमें से ये 5 लिख दिया जाएगा, आंसर लग जाएगी 12। फिर 25×5 125 125 में 12 हम जोड़ देंगे तो ये 7, ये 3, ये 1। इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया अभी 25×5 125 का पंजा आंसर लग गई 12, फिर 25×5 125 और 12 आंसर इसमें जुड़ गई तो ये बन गया 137। और दूसरा जैसे बच्चे करते हैं छोटी क्लासों में गुणा, वैसे भी हम कर सकते हैं 5×5 125 असल 2, 5×5 25 और 2 27, 5×10 = 0 असल 1, 5×10 = 11, ये 5, ये 7, ये 3, ये 1, तो योगफल आ रहा है 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। an बराबर 7 माइनस
तीन एन, इसमें भी 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पद ज्ञात करें, 7-3 गुणा एन की जगह एक रख लें, पहला पद आएगा 7-3, ये 4 एक, फिर 25वां पद ज्ञात कर लें, लास्ट पद श्रेणी का ए 25, तो फिर ये आएगा 7-3 गुणा 25, ये 7-25 थी 75, 75 में से 7 घटा दें तो -68। अब आपके पास पहला पद आ गया श्रेणी का और 25वां पद आ गया, मतलब लास्ट पद आ गया, और n का मान 25 है। Sn ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, ये Sn का सूत्र है, इसके अंदर मान रखें, n का मान है हमारे पास 25, बटे में आ गया 2, श्रेणी का पहला पद हमारे पास 4 है, माइनस में अंतिम पद 68 है, ये माइनस का 68 है, इसलिए प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा और ये 68 हो जाएगा। ये 25 बटे में 2 गुणा में माइनस के बच गए 64, 25 गुणा में माइनस के आ गए 32, क्योंकि ये 2 भाग में है, इसके साथ भाग देंगे 2 का इसमें, तो माइनस के 32 हो जाएंगे। 25 का गुणा कर दें, 25 दूनी 50 की 0 आंसर लगी 5, 25 थी 75 और 5 80, ये आ गया माइनस का 800। तो इस प्रकार से an का मान जब एक समीकरण के रूप में हमारे पास हो तो इसको हम ऐसे ज्ञात करके योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 हैं, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 हैं, तो जैसे दूसरा पद और तीसरा पद दिया है इसने, तो आपको 5.2 में मैंने बताया था कि A2 बराबर A प्लस D होता है और A3 बराबर A प्लस 2D होता है, यानी कि कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पर जो भी पद ज्ञात करना है उससे एक कम करके D पहले पद में जोड़ा जाता है। तो पहले पद में एक D जुड़ा है क्योंकि यहाँ दूसरा पद है या तीसरा पद है, तो पहले पद में 2D जोड़ा गया है। अगर 16वां पद होता तो पहले पद में 99D जोड़ देते। इस प्रकार से ये पदों को हम ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, दूसरा पद a प्लस डी, इसका मान दूसरे पद का 14 है, तो हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 14, यानी दूसरा पद होता है a प्लस डी और इसका मान है 14, तो a प्लस डी का मान 14 आ गया। और फिर तीसरा पद हमें दिया है 18, ये तीसरा पद होता है a प्लस 2d, इसका मान 18 दिया है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। जैसे ही समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो d का मान प्राप्त होगा। तो माइनस 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 घटाने पर निशान बदलते हैं नीचे वाली संख्या के, a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया,
ये एक डी प्लस का है, दो डी माइनस का है, तो माइनस का डी बच गया। माइनस का 18 है, प्लस का 14 है, तो माइनस का 4 बच गया। जोड़ और घटाव करते समय बड़ी संख्या की संख्या ही बचती है। बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 4 बचे हैं। बड़ी संख्या माइनस की है डी, तो माइनस का एक डी बचा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 4। अब देखें डी का मान समीकरण एक में रख दें तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी के स्थान पर यहाँ पर इसकी जगह डी का मान 4 रख देंगे, बराबर है 14। ए बराबर 14, ये 4 इधर प्लस है इधर माइनस, ए बराबर आ जाएगा 10। ए श्रेणी का पहला पद होता है, तो पहला पद 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। अब आगे हमें करना है 51 पदों का योगफल ज्ञात। तो देखिए एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। इसमें जो जो मान हमें प्राप्त हैं वो सारे मान हम सूत्र में रखेंगे। तो देखिए n का मान हमारे पास 51 है, क्योंकि 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 51 आ जाएगा, बटे में दो, दो गुणा में a का मान हमारे पास 10 है ये आएगा, प्लस n का मान फिर से 51 माइनस एक, और d का मान यहाँ निकाल रखा है हमने 4। अब ये आ जाएगा 51 बटे दो, ये 10 दूनी 20 आ जाएगा, 51 में से एक घटेगा तो ये बचेगा 50, और गुणा में आ गया 4। ये आ जाएगा 51 बटे दो, 20 प्लस 50 को 4 से गुणा कर दें 200 आ जाएगा। 51 बटे में दो गुणा में ये आ गया 220, क्योंकि 200 में 20 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 220। ये 200 बन गया, इसका गुणा करने पर 500 के 20 और ये 0, और ये 20 का 20 है ही, ये 10 दुनी 20 यहाँ से आ रहा है। अब ये 51 गुणा में 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 110 आ जाएगा। अब गुणा कर दें 11 एकन 11, 11 पाँच 55 और 1 56, योग फल आ जाएगा 5610। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।